साथ में आगे की कमेंट्री हमारे ललित भाई को देना चाहता हूं। धन्यवाद रितेश जी पवार। स्ट्राइक पर है नरेश कछावा और नॉन स्ट्राइक उदयराम कछावा। अनमोल टाइटल स्पॉन्सर यूवी ड्राई फ्रूट असिस्टेड से गेंदबाजी करने आएंगे, क्योंकि पिछले मैच में 5 विकेट चटकाए थे। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है सुनील कहते सुनील कुमार सैनी। बढ़िया गेंद थी, डिफेंस किया वहां पर और एक रन के लिए दौड़ पड़े उदयराम। एक रन से खाता खुलता है केके 11 का। पहला एलिमिनेटर मुकाबला चलता है दोनों टीमों के मध्य, शेखा डीएन 11 और केके 11 के बीच, जिसका टॉस शेखावटी यंग 11 के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया, वही बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया केके 11 को। तैयार सुनील दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। आस्था से काफी बार वाइड बॉल लेग साइड वाइड बॉल लगातार बैक टू द बैक वाइड। तीन खिलाड़ी ऑफ साइड पर है, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पर है, एक शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट, एक डीप कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ मिड ऑन मिड विकेट। और यह गेंद बैक फुट पर जाकर बल्ले का पेस खोलकर खेलने का प्रयास, लेकिन कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। वहां पर आश्रम से जाती हुई दूसरा एलिमेंटर मुकाबला खेला जाएगा इस मैच के पश्चात ट्रिपल एच जय भावना रामदेव नमो वर्सेस हाइजेनबर्ग के बीच। बढ़िया गेंद एक अपील फुल्लन डिलीवरी थी। तीन रन बिना कोई नुकसान के। चौथी डॉट बॉल राइट किया वहां पर पॉइंट की दिशा में, एक रन से अपना खाता खोला। ओवर की समाप्ति 4 रन बिना कोई नुकसान के पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात। अनमोल सांकला अपने स्पेल का पहला पहली पारी का दूसरा ओवर लेकर आते हुए टाइटल स्पॉन्सर यूवी ड्राई फ्रूट असिस्टेड से आरएस के एमपीएल टी ट्वेंटी के रात्रि के बेला में आयोजित इस विजयनंद ग्राउंड पर धुलिया रोशनी में ये श्रृंखला कराई जा रही है पहली बार। गेंद सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर
बढ़िया गेंद, एक अपील वहां पर एलबीडब्ल्यू करार दिया गया, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास। पहला झटका लगता है उदयराम कछावा, और अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद को सफलता मिलती है अनमोल सांगला को। खुश अपने आप से, बैट्समैन नेम बताए, हितेश, रुपेश, रुपेश उदयराम के स्थान पर। अच्छी गेंदबाजी अनमोल सांगला द्वारा, समाज बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस विजयानंद ग्राउंड पर। बढ़िया विकेट कीपरिंग गोलू द्वारा, को मिस करती हुई ड्राइव करने का प्रयास था सीधे बल्ले से, पूरी तरह से बीट हुए। फिर बल्ले का एक हल्की सी अपील हुई थी, रन बॉल सफा खाकर विकेट कीपर के हाथों में। चिल्ली शॉट कवर ठहराया, एक ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति के पश्चात 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। खाली है, खाली आ गए देखो बॉटल, उसमें भर के लाके दे दो, खाली बॉटल है तो भर के दे दो। हाँ ठीक है, वही भर के दे दो जी। सुनील अपने स्पेल का दूसरा, पारी का तीसरा ओवर, यूवी ठाकुर से बढ़िया गेंद, बिल्कुल साइन टप्पा खाई गुड लाइन पर, थोड़ी सी उछाल मिलती हुई, अच्छी गेंदबाजी करते हुए शेखावटी यंग इलेवन के दोनों ही ओपनर। इस बार मैदान के ऊपर से 6 रन मिलेंगे, छक्का नरेंद्र कछावा के बल्ले से, पारी का भी पहला और उनकी पहली बाउंड्री। बढ़िया गेंद, इस बार अच्छा कमबैक करते हुए, इसी तरह की लेंथ रखनी होगी गेंद को। इस बार मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच मिड ऑफ पर फील्ड हुई, एक रन। तेरा रन एक विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर चलता हुआ। आगे थोड़ा सा शफल कर रूम बनाकर खेलने का प्रयास, जगह छोड़कर
या गेंद एक बार फिर अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, मिडिल और ऑस्टम से गेंद जाती हुई उछाल मिलकर, सात रन ओवर से 13 रन एक विकेट के नुकसान पर, 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात अनमोल सांकला अपने स्पेल का दूसरा, पहली पारी का चौथा ओवर, कमांड फ्रेंड्स क्लब के ऑर्गेनाइजर भी मौजूद है सभी, रितेश पवार, महेंद्र कसावा, प्रवीण सोलंकी, धीरज परियार, देवेंद्र पवार, विशाल भाटी, कपिल, रूपचंद जी सोलंकी, रूपचंद जी सोलंकी और मनोज जी भाटी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आरएस की एमपीएल टी20 में। अच्छी गेंद और यहां पर एलबीडब्ल्यू करार दिया गया, फिर दूसरा झटका लगता हुआ सिंध 11 को, तेरह रन के स्कोर पर एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए अनमोल, डॉक्टर साहब नरेंद्र कछावा के स्थान पर हंसराज, बल्लेबाज हंसराज, 13 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लगता है केके 11 को, अच्छी गेंदबाजी करते हुए अनमोल सांकला, बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हुए, कर दिया फाइनल की तरफ, दूसरा रन लेना चाहते थे रुपेश बना के वहां पर हंस रहे, और गेंद बोर्ड ब्लॉकर में गेंद थी ओवर में दूसरी सफलता में, तीसरा झटका लगता हुआ केके 11 को, लड़खड़ाती हुई यहां पर केके 11 की, 14 रन के स्कोर पर 3 विकेट खो दिए केके 11 में, अभी चौथा ही ओवर चल रहा है, बल्लेबाज राहुल सिंह परियार, साझेदारी की आवश्यकता है केके 11 को, काफी शॉर्ट फील्डिंग सजा कर रखी है अनमोल ने, पहली शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, अब एक और एक बुलाया वहां पर
बार पीड़ित भी दबाव बनाने का प्रयास फील्डर पर, ऑन द लेग साइड वाइड बॉल, on the leg side white ball, and again mid wicket ki disha mein apna field hoti overthrow thoda sa. एक रन और मिलेगा, दो रन मिलेंगे टोटल, बेटा गेंद थी लगाई, चार ओवर की समाप्ति के पश्चात 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर, उसमें से 6 अतिरिक्त रन है, सुनील अपने स्पेल का तीसरा पारी का पांचवा ओवर लेकर आते हुए, टाइटल स्पॉन्सर यूवी ड्राई फ्रूट असिस्टेड से सामना करेंगे हंसराज, अच्छी गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे हैं शेखावटी यंग 11 के दोनों ही ओपनर गेंदबाज, एक साझेदारी की आवश्यकता यहाँ पर पार्टनरशिप की, इस बार आप वाली पल्ली पर खेला ड्राइव किया तो आपकी दिशा में फील्डर मौजूद, एक रन, लेग साइड व्हाइट बॉल, इस बार गैप में हरमैन गली के बीच में से 4 रन मिलेंगे आती हुई राहुल सिंह परियार के बल्ले से, मुंबई दो बॉटल दे दो बस, फिर लक्ष्यम के बाद व्हाइट बॉल, एक ही भर के दे रहा, एक और एक दो जी इनको भी, शॉट फाइनल की दिशा में एक रन, again back to the bowler, and now what do punch kiya tha lekin fielder maujood hai chustain chopan ne point par,
ड्रीम बॉल पहली सफलता मिलती हुई तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर सुनील को चौथा झटका लगता हुआ 26 रन के स्कोर पर। दिनेश परियार युवी ड्राई फ्रूट से एक बार फिर कंटिन्यू। अनमोल अपने स्पेल का तीसरा पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आते हुए गेंद ब्लॉक ऑल में डिफेंस किया। उल्टा गेंद थी अच्छी विकेट कीपरी और यहाँ पर भाग्य साथ देता हुआ बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर अष्टम को मिस करके गिन गई फाइन लेग की दिशा में हरमन क्षेत्रक्ष द्वारा फिर गई बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर बिल्कुल भाग्य साथ देता हुआ राहुल सिंह परियार को डिफेंस किया वहां पर सम्मान पूर्वक खेला बढ़िया गेम थर्ड मैन पर फील्ड हुई कप्तान द्वारा अच्छा और अभी तक एक रन पांच गेंदों पर केवल बढ़िया गेंद डॉट द लेग साइड डिफेंस किया ओवर की समाप्ति केवल एक रन पावर प्ले के अंतिम ओवर से 27 रन चार विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात गेंदबाजी में परिवर्तन सुनील के स्थान पर गेंदबाजी करने वाले पंकज सैनी यूबी ड्राई फ्रूट असिस्टेड से स्पेल का पहली पारी का सातवां ओवर पंकज तैयार सामना करेंगे राहुल बाहर की तरफ व्हाइट बॉल
बैट्समैन के बाहर राइट बॉल। किया वहां पर कवर्स की दिशा में फील्डर मौजूद डिप कवर पर एक रन तीस रन के स्कोर में तो केवल 10 व्हाइट के रूप में मिले इनके 11 को। हल्के हाथों से खेला जैसे शॉर्ट कवर पर कप्तान मौजूद है कोई रन नहीं। बार एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से बढ़िया शॉट 4 रन मिलेंगे। बैक फुट पर जाकर पंच किया था बॉटम एंड का यूज किया था इस बार फुल कर दिया मिड विकेट की दिशा में अंदर मौजूद है डीप मिड विकेट पर एक रन। लॉस ऑफ 4 विकेट 7th ओवर इन रनिंग। अगेन डिफेंस किया फ्रंट फुट पर आकर बैक टू द बॉलर फुट पर जाकर पंच किया विमल खराब क्षेत्र क्षण। विमल भाटी टाइगर का हार्दिक स्वागत है आर एस में 39 लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 7 ओवर 12 रन इस ओवर से एक अच्छा ओवर जाता हुआ किंग 11 के खाते में। बालाजी कृपा राम दोनों ही टीमों के ऊपर लागू होगा बालाजी कृपा राम। जो कोई 50 रन बनाते हैं तो बालाजी कृपा राम की तरफ से 2100 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। दोनों ही टीमों के ऊपर लागू होगा। भोजन रेडी है भैया जो बंधु आए खा लें रेडी एकदम गर्मा गर्म। चेतन हाल लेफ्ट आर्म डायगोनल स्विंग बढ़िया गेंद फ्लाइट डिलीवरी करते हैं काफी स्वीप करने का प्रयास था। लेफ्ट आर्म डायगोनल से तैयार हल्के हाथों से टैच कर दिया नो बॉल। दिनेश हितेश थोड़े हिट यहां पर एक सूचना आई है दिनेश 50 रन बनाते हैं तो आरएलबी पाइप की तरफ से 2100 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। दिनेश परियार
फ्री हिट है पर और लॉन्ग के बीच में से पूरा फायदा लेते हुए राहुल सिंह परियार एट का से लाभ आपकी दिशा में और फिर डिलीवरी थी एक रन 46 रन 4 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर चलता हुआ हवा में स्वीप किया वहां पर स्क्वायर की दिशा में ताकि स्क्वायर पर फील्ड हुई एक रन छोटी गेंद थी फुल कर दिया वहां पर फाइनल की तरफ नौवें स्टैंड में गेंद जाती हुई इसी के साथ केके 11 के 50 रन पूरे होते हुए 51 रन ओवर चलता हुआ छोटी गेंद थी फुल कर दिया था फाइनल की दिशा में काफी शॉर्ट पड़े थे फाइनल क्षेत्र रक्षण रन कर दिया हल्के हाथों से और फाइनल पर फील्ड हुई एक रन ओवर की समाप्ति का अच्छा ओवर 13 रन इस ओवर से 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 52 लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 8 ओवर का जब ने स्पेल का दूसरा पारी का नौवां ओवर लाते हुए यूवी रेस्टोरेंट से 7 o'clock अंदर तैयार सामना करेंगे राहुल उनकी गेंद का एट इचारो तरह चेंज है सर एंडर लेक पुणे 7 o'clock ओके अम्मा चलो पंखे जी और अगेन डिफेंस किया बैक टू द बॉलर किया वहां पर पक्का फील्ड होती मेडिकल क्षेत्र रक्षक द्वारा कप्तान द्वारा चेतन द्वारा एक रन
मिस्टर गेंद भी बैन कर दिया वहां पर पैरों से रोकने का प्रयास शॉर्ट पॉइंट लेने खराब गेंद फायदा लेते हुए पुल कर दिया सिर्फ दिशा जी संपर्क किया था खराब गेंद थी काफी बार लेग स्टंप के काफी एक्सरसाइज दे रहे हैं शेखावाटी यंग लेवल के गेंदबाज गेंद इस बार शर्मा देकर बल्लेबाज को सबसे बढ़िया गेंद निकल गई से अपील किया था और यहाँ पर एलपीडब्ल्यू करार दिया गया पांचवा झटका लगता हुआ 59 रन के स्कोर पर 9 ओवर के शॉट दिनेश 11 रन बनाकर पवेलियन जाते हुए 12 गेंदों का सामना करकर बल्लेबाज मंगल सिंह बाबा बाबा मूलचंद मंगल 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 नए बल्लेबाज गेंदबाजी में परिवर्तन इस ओवर के पश्चात ड्रिंक्स लिया जाएगा रेडी रखें अनमोल सांडला अपने स्पेल का अंतिम ओवर पारी का 10वां ओवर लेकर आते हुए यूवी ड्राई फूड एंड से बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया वहां पर पॉइंट और अच्छी फील्डिंग निश्चित तौर पर 2 रन बचाते हैं अपनी गेंद के लिए सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक रन बासठ रन 5 विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर चलता हुआ चक्कर है वहाँ पे नहीं है कहते क्या चक्कर है क्या
फोल्डर गेंद भी कवर्स की दिशा में, पांच रन दिए केवल, 64 रन, 5 विकेट के नुकसान पर हाफ ऑफ द हाफ स्टेज, 64 लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर द कंप्लीटेड 10 ओवर.
एक्सरे निकाल लिया तो बोल रहे फ्रैक्चर हो गया मसाला खूब खूब छोड़ से जल्द से जल्द गेंदबाजी कराएं। शेखावटी के कप्तान से निवेदन है पांच विकेट के नुकसान पर गोलू सांगला भैया के डिफेंस किया आज के हाथों से द्वारा फील्डर सीधी शॉट कॉर पर पांच विकेट बहुत ही जल्दी खो दिए। देखना होगा क्या लक्ष्य दे पाएंगे शेखावटी एंड इलेवन को। इस बार एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में बढ़िया फील्डिंग मॉन्टी द्वारा किया बैक टू द बॉलर भैया गेंद एक हल्की सी अपील अष्टम के बाहर वाइड बॉल कर दिया एक रन केवल 70 रन एक अच्छी बल्लेबाजी करते राहुल सिंह परियार देख कर बल्लेबाजी करते हुए मंगल द्वारा सीधे बल्ले से नॉक ऑफ की दिशा में करते हुए धोनी बल्लेबाज चांद मिलती हुई बल्ले का बेस बॉल का पॉइंट की दिशा में अच्छी रनिंग विद इन द विकेट पलक झपकते की रन चुराया समाप्ति बहुत कर रन 11 ओवर की समाप्ति के पश्चात 5 विकेट के नुकसान पर 6 रन इस ओवर से पंकज अपने स्पेल का तीसरा पारी का 12वां ओवर लेकर आएंगे छान मिला मसाला कुमकुम छोर से पहले 2 ओवर यूवी ड्राइफ्रूट से गए थे यूवी ड्राइफ्रूट एंड छोड़ छोड़कर चांद मिना मसाला से गेंदबाजी करने आए
40 ओवर हो करना है मैच के बाद में। इस बार कवर्स की दिशा में सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूं मैं। आरएसकेएमबीएल में सभी समाज बंधु का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कवर्स की दिशा में अच्छा सिंगल रोटेट कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। अच्छा दोनों टीम पर बालाजी मनोज कुमार बालाजी कृपाराम ठीक है। अच्छा यार बोले तो बटू काई बोल रहे समझ में को नहीं आ बार भूल कर दिया वहां पर भी 50 रन बनाता है दोनों टीमों के ऊपर लागू होगा। बालाजी कृपाराम पुरस्कार दिया जाएगा। पहले अनाउंसमेंट किया था दोनों टीमों के जो भी 50 रन बनाते तो 2100 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा बालाजी कृपाराम की तरफ से। इस बार उल्टा गेंद भी फाइनल की तरफ मोड़ा का दूसरा रन पूरा किया। अच्छी रनिंग अस्सी रन 5 विकेट के नुकसान पर तैयार चांदनिया मसाला से पंकज। बहुत बढ़िया डाउन द ग्राउंड शॉट स्ट्रेट ड्राइव फॉलो थ्रो से ओवर से और लॉक ऑफ 5 विकेट 84 रन 5 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर की समाप्ति के पश्चात अपने व्यक्तिगत स्कोर 45 रन पर बल्लेबाजी करते हुए मात्र 5 रन दूर अपने अर्धशतक से राहुल सिंह परियार अर्धशतक लगाते हैं तो बालाजी कृपाराम की तरफ से 200 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। गोलू सांगला अपने स्पेल का दूसरा पारी का 13वां ओवर लेकर आते हुए चांदनिया मसाला एंड कुमकुम छोड़ से पर फिंगर मौजूद देख रहे हैं स्ट्राइक दे रहे मंगल राहुल सिंह परियार को निगाहें जम चुकी है उनको क्रीज पर बिल्कुल फुटबॉल की तरह गेंद दिखती है उनको। पंच किया वहां पर दानिश टाइगर पर अगर थ्रो होता तो ओवर थ्रो यहां पर अच्छी बिल्डिंग किया था पॉइंट पर
मैंने मिडिल की क्षेत्र से द्वारा फील्ड है चेतन द्वारा एक रन मौजूद है कप्तान सुशांत चौकने मेडलिंग की दिशा में इसी के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर पुरस्कार दिया जाएगा राहुल सिंह परिवार को 32 गेंदों में 50 रन बनाए ओवर से 7 रन 95 रन 5 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर की समाप्ति के बशा अंतिम 7 ओवर शेष देखना होगा क्या लक्ष्य दे पाएंगे सीके 11 शेखावत 11 को चेतन सोलंकी अपने स्पेल का दूसरा का 14 ओवर लेकर आते हुए चार मीनार मसाला से लगताम धन्यवाद से काफी गर्मी पड़ती हुई ग्राउंड पर हवाएं नहीं चल रही है को मिस करती हुई चौथी विकेट से गेंद जाती हुई खेलना कहीं और चाह रहे थे गेंद कहीं और गई बल्ले का भारी किनारा लेकर एक रन मिलेगा कर दिया एक रन मिलेगा फील्डर मौजूद है डिप विकेट पर कौन बॉल करे गए थे फील्डर खेलना गई और चाह रहे थे गेंद गई और गई की दिशा में 4 रन मिलेंगे यहां पर
टेस्ट करते गया था ना 51 था 59 था सिर्फ किया वहां पर मेडल मौजूद एक ही रन से संतुष्ट लक्ष्म की काफी दूर है बाउंड्रीज 8 रन ओवर से 99 रन 5 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर की समाप्ति के पश्चात वर्षेष इंडियन रन 5 विकेट के नुकसान पर 40 रनों की साझेदारी होती छठे विकेट की मंगल और राहुल सिंह के बीच गोलू साइकला 96 मसाला रन से कंटिन्यू गेंदबाजी करते हुए अपने स्पेल का तीसरा पारी का 15वां ओवर थी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट करते हुए सिंगल निकालते हुए खराब गेंद का इंतजार कर रहे हैं वरना इसी के साथ 100 रन पूरे होते हुए के 11 के 5 विकेट के नुकसान पर डीपी विकेट की दिशा में के सारे से मोड़ा रामकुमार त्रिपाठी का हार्दिक स्वागत है आरएस के एमपीएल टी20 में काफी सपोर्टर आते थे काटेदान के केके 11 के पास और यहां पर बल्ले का अंदरूनी किनारा के पैड से जाके विकेटों से टकराई गेंद छठा झटका लगता हुआ 104 स्कोर पर एक साझेदारी टूटती हुई 43 रनों की ओवर के पश्चात अभी 5 ओवर शेष रहेंगे बैट्समैन ने बाबा मूलचंद नए बल्लेबाज पहला एलिमिनेटर मुकाबला चलता दोनों टीमों के मध्य शेखावटी यंग 11 और के 11 के बीच जिसका पास शेखावटी यंग 11 के कप्तान गौरव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया वहीं बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया वहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट 102 रन पर गवाकर 14 ओवर 4 गेंदों पर बनाए के 11 ने नाम भूल गया रहा हूँ मैं
गुंडू अमित भाई तो मालूम है, गुंडू की फुल मजा लिया बचपन में, बोला माँ हाथी गिरती जोरू और मेला फुल मजा करा दो तो खाली बहन ही है। अच्छी गेंद फिर वहां पर जोरदार ओवर की अंतिम गेंद लेकर आते हुए गोलू गायब किया हम्बली को लेकर लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद सुनील कुमार गेंदबाजी करने आ रहे हैं चांदीरा मसाला से अपने स्पेल का अंतिम ओवर पारी का 16वां ओवर देखना होगा अंतिम 5 ओवर में क्या टारगेट दे पाएंगे। प्रोजेक्ट बता रहा है इसको इसी तरह से खेलते तो 10-10 ओवर पर ओवर बनाते तो 153-154 जा सकते हैं। सुनील तैयार और यह गेंद हल्के हाथों से खेला मिड विकेट की दिशा में तब तक फील्ड होती 1 रन और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन कर दिया शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है चेतन कोई रन नहीं इतना ही बढ़िया स्ट्रोक और इतनी बढ़िया फील्डिंग लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद है 1 रन काफी तेजी के साथ गई बल्ले से लगने के बाद में बिल्कुल गोली की तरह गेंद गई लॉन्ग ऑन की दिशा में
बनाकर खेलने का प्रयास एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से। राइट कर दिया, मांग आपकी दिशा में एक रन। बढ़िया स्ट्रोक, स्पीड चार रन मिलेंगे अंकल द्वारा डीप मिड विकेट पर। सात रन मिलेंगे सुनील ने अपने चार ओवर के स्पेल में 26 रन खर्च कर कर। एक सफलता पाई चेतन सोलंकी, स्पेन का तीसरा पारी का 17 ओवर लेकर आएंगे। चांद मीनार मसाला है कुमकुम छोर से। इस मैच के पश्चात दूसरा एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा ट्रिपल एस जय भावना रामदेव नमो वर्सेस हाइजेनबर्ग के बीच। फील्ड अपने फॉलो थ्रो में आगे बढ़कर बेस्फील्ड चार रन मिलेंगे। अच्छा गर्भों का राहुल सिंह परिया ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए राहुल सिंह परिया टीम को संकटों से निकाला। विकेट की दिशा में एक रन वरना 59 रन पर चार विकेट खो दिए थे। इसके बाद में एक अच्छी साझेदारी भी छठे विकेट की एक छोर से जम चुके हैं। सफल कर अष्टम पर आकर मिडविकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास। गेंद गई थी क्षेत्ररक्षक से पहले टप्पा खाई हवा में थी गेंद।
बाहर बैठी मिट की दिशा में आगे बढ़कर शिफ्ट किया, चार रन मिलेंगे। रन 17 ओवर की समाप्ति के पश्चात 3 ओवर शेष, 11 रन ओवर से पिछले ओवर में। अपने स्पेल का अंतिम ओवर पारी का 18वां ओवर लेकर आएंगे छियानवे रन हासिल लाइन से। सबके बाद व्हाइट बॉल, काफी एक्स्ट्रा दिए हैं आज शेखाटी गैंग 11 के गेंदबाजों ने। और क्लीन बॉल थोड़ा जल्द से जल्द कराए भैया। हाँ भाई, राम कुमार जोहर भवानी मार्केट बालाजी मनोज कुमार। राहुल सिंह परिवार अगर शतक लगाते हैं तो राम कुमार जी भाटी नेताजी की तरफ से 2100 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। शतक लगाते हैं तो बालाजी मनोज कुमार भवानी मार्केट नेताजी की तरफ से। बैट्समैन का नाम बताएं रितेश जी। बैट्समैन ने बल्लेबाज का नाम बताएं। प्रवीण। इस बार माइक की दिशा में गली पर फील्ड हुई एक रन आता खोला एक रन से अपना। वन टू थ्री फॉर सेवन। राहुल सिंह परिहार अगर शतक लगाते तो बालाजी मनोज कुमार राम कुमार जी भाटी की तरफ से 2100 का नगद पूरा नेताजी की तरफ से। सफल करके मिड विकेट की दिशा में का दूसरा रन पूरा की अच्छी रनिंग। 26 रन दूर अपने शतक से।
बार अंतर के सर के ऊपर से अच्छी फील्डिंग, लेकिन दूसरा रन दौड़ पड़े रिश्तों में, फिर दो दो रन चुराते हुए आगे बढ़कर दूसरा रन लेना चाहते थे, प्रवीण मना किया वहां पर। ओवर की समाप्ति यहाँ पर, पंकज ने अपने चार ओवर में 38 रन खर्च करके 215 पाई, 128 रन, 18 ओवर की समाप्ति के वशात 7 विकेट के नुकसान पर अंतिम 12 गेंदे शेष। गेंदबाजी में परिवर्तन, चेतन के स्थान पर गोलू, अपने स्पेल का अंतिम ओवर पारी का बने स्वागत। गेंद पुल करने का प्रयास, शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, हवा में गेंद और यहां पर आठवां झटका लगता हुआ द्वारा एक अच्छा कैच, 77 रन बनाकर पवेलियन आते हुए अच्छी बल्लेबाजी कर मात्र 49 गेंदों पर। बल्लेबाज का नाम बताएं, करण कछावा, हवा में गेंद गई थी लेकिन सेफ लेन में डब्बा खाई,
सारा लेना चाहते थे करण कट कर दिया वहां पर गैप में गली और टर्मिन के बीच में से डीप थर्मल सीमा रेखा के बाद चार रन मिलेंगे। क्रॉस द लाइन खेल बैठे बिल्कुल अंदर की तरफ नौवा झटका लगता हुआ 133 अंतिम बल्लेबाज रजन चौहान डिफेंस किया बैक फुट पर जाकर ओवर की समाप्ति चार ओवर के स्पेस में 22 रन खर्च करके दो सफलता पाई गोलू ने 133/9 आफ्टर 19 ओवर। छह गेंद शेष चेतन सोलंकी अपने स्पेल का अंतिम ओवर पारी का अंतिम ओवर लेकर आते हुए चार मीनार मसाला एंड कुमकुम छोड़ से स्पिन दला रहे अंतिम ओवर यहां पर लेफ्ट आर्म स्टंप पर गेंद थी काफी छोटी भूल कर दिया वहां पर फाइन लेग की दिशा में 137 आगे बढ़ता हुआ 137
यार बल्लेबाज और विकेट कीपर को ब्रीथ करके गेंद जाती हुई। लॉन्ग लेग स्लिप की तरफ बाई का इशारा। ले लिया था 50 एफ पर तो कल का था 4 विकेट पे 99 ना लिया। हवा में और फिर टीम से मंती हुई 141 रन के स्कोर पर। कैच कौन लिया? जीत के लिए 142 गोलू द्वारा अच्छा कैच। 5 मिनट का ब्रेक। जीत के लिए 142 रन बनाने होंगे।
नक्षत्र का के भले बाजे हैं और 50 रन बनाते तो बालाजी कृपा राम की तरफ से दिया जाएगा। पहला एलिमिनेटर मुकाबला चलता है दोनों टीमों के बीच। इस मैच के पश्चात दूसरा एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा ट्रिपल एच जय भावना रामदेव नमो वर्सेस हाइजनबर्ग के बीच। एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा दूसरा। स्ट्राइक पर है अनमोल और अनमोल नॉन स्ट्राइकर पर है बॉल स्ट्राइक पर है। स्ट्राइक पर कौन है भैया? पंकज भाई रोहन रोहन स्ट्राइक पर है। नॉन स्ट्राइकर पर अनमोल चांदना मसाला से गेंदबाजी करने आ रहे हैं। दिनेश परियार अपने स्पेल का पहला दूसरी पारी का पहला ओवर लेकर आते हुए पांच खिलाड़ी ऑफसाइड पर चार खिलाड़ी ऑनसाइड पर दिनेश तैयार। हर ओवर में प्रति ओवर 7 रन चाहिए। खाता खुलता हुआ सिक्योरिटी गेट लेवल का बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर लॉन्ग लेग स्लिप की तरफ गेंद गई द्वारा फील्ड में दौड़ कर दूसरा रन पूरा किया। दो रन से खाता खोला रोहन चौहान ने। बढ़िया गेम ओवर पिच डिलीवरी थी ड्राइव करने का प्रयास ऊपर थी काफी गेंद कट कर दिया हल्के हाथों से गली से हरमन की दिशा में पहली बाउंड्री आती हुई पहली बाउंड्री आती हुई दूसरे इनिंग की रोहन के बल्ले से उल्टा गेंद भी टर्न कर दिया स्पाइन लेग की दिशा में मिडिल की क्षेत्र क्षेत्र द्वारा फील्ड हुई बैकवर्ड स्पाइन लेग पर एक रन। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन गेंद
बाजी तो बहुत ही बढ़िया की थी अनमोल ने, बल्लेबाजी में भी करिश्मा दिखाना होगा अगर अपनी टीम को मैच जिताना होगा तो, सूट भूरी पारी खेलनी होगी। ऑन द लेग साइड व्हाइट बॉल, एंगल चेंज करकर रॉन द विकेट गेंदबाजी करते हुए चांदीना मसाला इनसे। लक्ष्मण के बाहर व्हाइट बॉल, दो अतिरिक्त रन जुड़ेंगे। राइट किया हुआ पर मिड ऑफ पर मौजूद, लास्ट बॉल बाकी है अभी 11 रन, पहला ओवर चलता हुआ। नागपुर को जाकर कट करने का प्रयास, स्क्वायर कट, 11 रन, एक अच्छी शुरुआत यहां पर। पहले ओवर में 11 रन आते हुए शेखावटी यंग 11 के खाते में। बॉलर नेम, बॉलर का नाम बताएं, रवि देखो जी, टी शर्ट पे जूम करके बॉलर का नेम, नेम नेम बॉलर नेम, टी शर्ट नहीं अंदर चला। रुपेश, अपने स्पेल का पहला, दूसरी पारी का दूसरा ओवर लेकर आएंगे चांदीना मसाला से। से काफी बार अच्छे विकेट के फ्रेम, व्हाइट बॉल, गेम था फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव करने का प्रयास हाफ वाली को लेकर। लेग साइड व्हाइट बॉल, काफी एक्स्ट्रा दे रहे हैं 11 के गेंदबाज। और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक लालन के ऊपर से, 6 रन मिलेंगे। दूसरे ओवर का ये पहला छक्का था अनमोल के बल्ले से, जो भी बैठे थे ध्यान दे भैया, बॉल आ सकती है दिलीप सोलंकी, अभी लग सकता था आपको, वॉच करें बॉल को। अनमोल
On the leg side, wide ball. बीस रन बिना कोई नुकसान की एक अच्छी शुरुआत. फिर एक बार डाउन द लेग साइड वाइड बॉल. अच्छी गेंद इस बार ब्लॉक आउट में डिफेंस किया. राइट किया वहां पर एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में फ्रंट फुट पर आकर. फॉर नो लॉस सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस. अच्छी शुरुआत मिली शेखावटी यंग लेवल को. कट कर दिया वहां पर स्पीड थोड़ी सी पॉइंट क्षेत्र द्वारा बैकवर पॉइंट पर. चौबीस रन. एक अपील तेरह रन ओवर से चौबीस रन दो ओवर की समाप्ति की वर्षा. नाम लेके गए तो गोली कार कर दी जाता. महादेव का नाम है कुंदकेश्वर. कौन सा? राहुल सिंह. राहुल सिंह बढ़िया गेंदबाजी करने आए हैं. काफी एक्स्ट्रा दे रहे हैं. ट्वेंटी इलेवन के गेंदबाज. दस अतिरिक्त रन जोड़ते हुए छब्बीस रन के स्कोर में. एंगल चेंज कर गए. इस बार हल्के हाथों से टर्न किया. फील्डर मौजूद.
On again. और यहाँ पर नौवे सेंग में गेंद गप्पा खाई, काफी देर हवा में थी गेंद, ऐसे कैचेस पकड़ने होंगे मैच जीतना होगा तो क्रिकेट इलेवन को। साइड की तरफ गेंद जाती हुई, व्हाइट बॉल, तीन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। एक अच्छी शुरुआत मिली यहां पर शेखावटी को, वही विकेट की तलाश में। 31 फॉर नो लॉस, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। पॉइंट की तरफ उठी, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। तो से लॉन्ग की दिशा में एक रन, 33 रन बिना कोई नुकसान के। ऑस्टम के बाहर व्हाइट बॉल, क्या तो से रन किया, अंदर मौजूद है शॉर्ट मिड विकेट पर दिनेश। पुल कर दिया वहां पर मालिक की तरफ, दो रन मिलेंगे, ओवर से 12 रन, 36 है बिना कोई नुकसान के। तीन ओवर की समाप्ति के पश्चात एक अच्छी शुरुआत मिली यहां पर पावर प्ले में शेखावटी यंग 11 को, दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अनमोल और रोहन के बीच। गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए हंसराज गेंदबाजी करने आ रहे हैं, पहला और पारी का चौथा ओवर लिख रहेंगे। नाइन यार्ड से रन द विकेट, लेग साइड व्हाइट बॉल, काफी एक्स्ट्रा जोड़ते हुए। ठीक है, हल्के हाथों से
Silly shot call for fielding. Lagi ini Kapil. Apa are? Mari lagi yang defense kia. Chimarlal ji Pawar ka hardik swagat hai. आरएस के एमपीएल टी ट्वेंटी में अगेन कट किया वहां पर तो ये को स्पॉन्सर भाई हमारे चांद मीनार मसाला एंड कुमकुम टी शर्ट स्पॉन्सर भी है ड्रेस के भी एक बार फिर तैयार हंसराज चांद मीना मसाला से सामना करेंगे रोहन गैप में दो फील्डर के बीच में से मिडान और मिडिल के बीच में से काफी बड़ा गैप था 23 मीटर का अच्छी शुरुआत मिली है यहाँ पर शेखावटी को चौथा ओवर चल रहा है 41 रन बना लिए बिना एक साल के यहाँ डिफेंस किया बिल्कुल अंदर की तरफ गेंद थी बैक टू द बॉलर मुकाबला खेला जाएगा ट्रिपल एच जयपालना रामदेव नवो वर्सेस हाइजेनबर्ग के बीच उस मैच के हमारे मुख्य अतिथि आ चुके हैं विकास जी सांगला का आरएस की एमपीएल टी ट्वेंटी में इस विजयनंद ग्राउंड पर स्वागत है तहे दिल से विकास जी सांगला दूसरे मैच के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ आरएस की एमपीएल टी ट्वेंटी में इस विजयनंद ग्राउंड पर धुलिया रोशनी में सीजन फाइट आउट पहली बार आयोजित है रफ पिच पर दिनेश स्पेल का दूसरा अष्टम से जाती भी का दूसरा पारी का पांचवा ओवर लेकर आते हुए चांद मीना मसाला एंड कुमकुम छोड़ से 101 रन चाहिए 95 गेंदों पर अच्छी गेंद थी थोड़ी सी शॉट का फ्रेम पुल करने का प्रयास अष्टम के ऊपर से गेंद जाती हुई गेंद पॉइंट के ऊपर से चार रन मिलेंगे 45 रन स्कोर आगे बढ़ता है पास से दिशा दी गेंद और बल्ले को बीच में पॉइंट के ऊपर से या
Nadim, this is appeal. हल्का तो से बैन किया और एक बढ़िया कैच सेल्फी शॉट कवर पर फील्डर का नाम बताया भैया एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ जाए कमेंट्री बॉक्स पे टीके 11 के रुपेश ने बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा है शॉट कवर पर काफी तेजी के साथ गेंद आई थी बल्ले से लगने के बाद सुशील अनमोल की आउट होने के स्थान पर 17 रन बनाए 16 गेंदों का सामना कर महिला विकेट मिलता हो 50 रन के स्कोर पर बोलो ओके ओके गोलू गोलू विकेट कीपर है गोलू सांगला गोलू साइनिंग वही बोल लो यार कंफ्यूज कर रहे हो गोलू सांगला रन के स्कोर पर पहला झटका लगता हुआ शेखावटी यंग लेवल को नौ विकेट अभी उनके पास है 87 गेंदों पर 93 रनों की आवश्यकता राम जी की मनोज जी का चार हार्दिक स्वागत है अच्छी गेंद थी हल्के हाथों से टैंक किया कप्तान फील्ड होती एक रन 50 रन पूरे थे एक विकेट के नुकसान पर 5.4 गेंदों पर अच्छी शुरुआत पावर प्ले में दो गेंद अभी शेष है पावर प्ले की आगे इन प्रकार में ऑन द लेग साइड करा दिया गया अंपायर द्वारा देखो बॉलर का नाम देखो जी बाबा मूलचंद है क्या Thank you.
पांच खिलाड़ी ऑफसाइड पर, चार खिलाड़ी ऑनसाइड पर, लॉन्ग ऑफ एक लॉन्ग ऑन। लेफ्ट आर्म आधा इंच में से गेंदबाजी करेंगे, बढ़िया गेंद, दोनों किनारा लेकर शॉर्ट साइड लेग पर गई गेंद, पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, बैक फुट पर जाकर पंच किया कवर्स की दिशा में, एक ही रन मिलेगा, काफी छोटी गेंद थी। रन किया वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में, स्लिप हुए थे लेकिन रोक गया गेंद को, दो गेंदों पर दो रन, सिंगल विकेट करते बल्लेबाज, पता है कि सिंगल लेते तो मैच जीत जाएंगे। पंच किया वहां पर, बैकवर्ड कॉल पर फील्ड हुई, अच्छी फील्डिंग, सिली शॉट कॉल पर, केवल चार रन ओवर से 56 रन, एक विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात। बॉल्स 86 रन रिक्वायर्ड, गेंदबाजी में बड़ी परिवर्तन, बजरंग चौहान छानवी नाम असलाइन से अपने स्पेल का पहला पारी का 8वां ओवर लेकर आएंगे। बजरंग चौहान तैयार छानवी नाम असलाइन से, विकेट कर दिया लॉन्ग की दिशा में, गेंद नीचे रही फूल करने का प्रयास, राम 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 राम, विकेट की दिशा में, बढ़िया फील्डिंग,
उदयराम द्वारा इंदिरा काफी तेज के साथ गेंद पर छोड़ पड़े थे। साइड एक अपील और क्या छो सकता था, प्रयास किया वहां पर दिनेश ने। बॉल का दूसरा रन पूरा किया, 60 रन एक विकेट के नुकसान पर, 8वां ओवर चलता हुआ। नो बॉल, अंपायर द्वारा फ्री हिट, विकेटर से पैर लगने के कारण नो बॉल करार दिया। किरण यहां पर लिया है, बाबा मूलचंद अपने स्पेल का दूसरा पारी का 9वां ओवर लेकर आते हुए चांदनी नामा सलाइन से अच्छी गेंद, शॉट कवर की तरफ खेला हल्के हाथों से, मेरे पास अच्छी फील्डिंग सिली शॉट कवर पर, कर दिया वहां पर शॉर्ट कर में पर फील्डर मौजूद, तीसरी डॉट बॉल लगाता फिर चौथी डॉट बॉल, कवर्स की दिशा पर एक रन, शंभू 9th ओवर हो गया, रेडी कर लो रिंग्स। बढ़िया गेंद, एक अच्छा ओवर यहां पर, मात्र एक रन खर्च किया, 63 रन 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात एक विकेट के नुकसान पर।
इस ओवर के पश्चात ड्रिंक खेला जाएगा। Six balls, 79 run required. Baller name? Kevin. Jai Kishan ji, Sangla ka hardik swagat hai. RS Kanti Adhikrati mein. Hawa mein thi, aur isme spin. Aise catches pakadne honge. Match jeetna hoga to KK 11 ko. शॉट ऑफ लेन डिलीवरी फुल कर दिया इस पहले की दिशा में बढ़िया फील्डिंग एक ही रन मिलेगा पंच कर दिया वहां पर एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में चार रन मिलेंगे अच्छा प्रयास किया आसपास ने सत्तर रन एक विकेट के नुकसान पर दसवां ओवर चलता हुआ इस बार कोई छेड़खानी नहीं अष्टम से जाती है फुल कर दिया विश्व द्वारा उदय राम द्वारा शंभू भाई लास्ट बॉल है इस बार ओवर की समाप्ति दस ओवर की समाप्ति के पश्चात 71 रन बनाए एक विकेट खोकर ड्रिंक्स मैदान पर अभी भी 71 रन चाहिए सात गेंदों पर नौ विकेट अभी भी शेष उनके पास शेखावत 11 के पास
टाइटल स्पॉन्सर यूवी ड्राई फ्रूट छोर से बाबा मूलचंद। नेक्स्ट स्पेल का तीसरा हारी का ग्यारहवा ओवर लेकर आएंगे लफ्तामा डैगमैन से। एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में एक रन मिलेगा। वही विकेट की तलाश में जेके 11 थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी फॉलो थ्रो में लेकिन कोई रन नहीं। सिली शॉट कॉल पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए बाबा मूलचंद। केवल 4 गेंदों में एक रन ही अभी तक। फिर बढ़िया गेंद खेलेगा मुकुल जा खेलने का प्रयास। वाइड बॉल ऑन द लेग साइड टच बनाकर खेला लॉन्ग आउट की दिशा में एक रन। ओवर में आए 3 रन 77 रन 1 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर की समाप्ति के पश्चात 68 रनों की आवश्यकता 54 गेंदों पर 54 बॉल 68 रन रिक्वायर्ड 9 विकेट इन हैंड। बॉलर नेम शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी लॉन्ग आर्म की दिशा में कोने पे देखेंगे हम। बॉलर ऑन द लेग साइड व्हाइट बॉल बॉलर का नाम बताएं। एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ जाए स्कोरर के पास। प्रवीण हवा में और यहां पर दूसरा झटका लगता हुआ पुल करने का प्रयास था बल्ले का टॉप एज लेकर हवा में गेंद आसान से कैच विकेट कीपर द्वारा। दूसरा झटका लगता हुआ गोलू सांकला 76 रन के स्कोर पर उनके स्थान पर पंकज सैनी। Yeah.
पवन सैनी, पंकज सैनी, छिहत्तर रन के स्कोर पर दूसरा छक्का लगता हुआ पहली सफलता मिलती है अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर। रीड की दिशा में थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी उदाराम का छा द्वारा तोड़कर दूसरा रन पूरा किया। लॉन्ग रन की दिशा में और स्वीप करने का प्रयास, ऐसा अंडरस्टैंडिंग हुई थी दोनों बल्लेबाजों के बीच, यस नो में खतरा हो सकता था। बाइक का इशारा, लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक रन, 81 रन, 61 रनों की आवश्यकता अभी भी 48 गेंदों पर, 81 for 2 after 12 ओवर, 81 के स्कोर में 24 एक्स्ट्रा दिए हैं KK इलेवन ने। हंसराज अपने स्पेल का तीसरा, पारी का 13वां ओवर लेकर आते हुए यूवी ड्राई फूड आशीष टेड़ा साइड से, थोड़ी सी मिसफील्ड फॉलो थ्रो में एक रन मिलेगा। रनिंग बिटवीन द विकेट, अलग छपक से रन चुराए दोनों बल्लेबाजों ने, अच्छा आंखों में इशारा होगा दोनों बल्लेबाजों के बीच। अंदर लेग साइड गेंद थी, टर्न कर दिया, लेग बाई करार दिया गया।
इस बार कट कर दिया वहां पर, फ्लिप किया वहां पर, कल आएंगे सारे से मोड़ दिया फाइनल की दिशा में। चार रन मिलेंगे, 88 रन इस पर होता। खराब गेंद थी डॉन द लेग साइड, ट्रिप दिशा दी वहां पर। कोई क्षेत्र रक्षक मौजूद नहीं डेथ फाइनल पर। इस बार बिल्कुल मिडिल ऑफ स्टंप से निकलती हुई, ओवर की समाप्ति यहां पर। 13 ओवर की समाप्ति के पश्चात 89 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर की समाप्ति के पश्चात 42 गेंद पर 53 रन चाहिए। 42 बॉल 53 रन रिक्वायर्ड, 8 विकेट इन हैंड। जर्सी नंबर देख के बोलो जी, बैट्समैन जी जूम करके देखो भाई। नहीं अभी उधर फिरते ना, अब देखो मूलचंद नहीं मूलचंद रवीन बॉलर नेम जूम में देखो रवीन। काफी फ्लाइट डिलीवरी थी, पूरी तरह से बीट हुए बल्लेबाज। अंडर लेग साइड गेंद थी, शॉर्ट फाइन लेग पर खेला राहुल सिंह द्वारा, थोड़ी सी मिसफील्ड, एक रन चुरा लिया। हवा में और यहाँ पर तीसरा झटका लगता है, एक अच्छा कैच बजरंग चौहान द्वारा। पंकज कोहली आते हुए 7 गेंदों का सामना करके तीसरा विकेट गिरता हुआ। अनिश्चितों का खेल है क्रिकेट, बल्लेबाज सुनील। सुनील लाए बल्लेबाज, कुछ फॉल्ट हो गया। दूसरा एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा इस मैच के पश्चात। ट्रिपल एच जय भावना रामदेव नमो वर्सेस हाइजेनबर्ग के बीच उस मैच के हमारे मुख्य अतिथि आ चुके हैं ग्राउंड पर, विकास जी सांगला का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुनील नहीं बल्लेबाज, एक
उसे सफलता मिलती है अपने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर। बल्लेबाज स्क्वायर लेग की दिशा में एक रन गेंद मिलेगी शिव रक्षक द्वारा फील्डर उदाहरण द्वारा शॉर्ट मिलेगी पर इस गेंदों पर 51 रन चाहिए। यह गेंद और इतनी बढ़िया विकेट कीपिंग करण द्वारा चौदह ओवर की समाप्ति के पश्चात 51 रन तीन विकेट के नुकसान पर। हवाएं चलती हुई काफी देर से उमस भरी थी विजयानंद ग्राउंड पर, अब थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवाएं का मजा लेते हुए दर्शक छत्तीस गेंदों में 51 रन चाहिए, 7 विकेट अभी भी शेष है उनके हाथों में शेखावटी के पास। गेंदबाजी में परिवर्तन है, उदयराम कछावा अपने स्पेल का पहला पारी का 15 ओवर लेकर आते हुए टाइटल स्पॉन्सर यूवी ड्राई फ्रूट छोड़ से। उल्टा गेंद थी ओवर्स की दिशा में, आंधी वास्ती भी यहां पर आंधी काफी तेजी के साथ हवाएं, मौसम तो सुहाना लग रहा है, बारिश भी आने की संभावना, बिजलियां कड़क रही है। गेंद नो बॉल लेकिन अंपायर द्वारा फ्री हिट। फ्री हिट भूल गया था, एक ही रन मिलेगा फ्री हिट पर। काफी फुल टच गेंद दे देते हुए उदयराम कछावा, ठीक है इस बार दिलीप को लड़ा।
बढ़िया गेंद, के बाहर वाइड बॉल, 97 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर की दिशा में दौड़कर दूसरा रन पूरा किया वहां पर, 99 रन 99 विकेट के नुकसान पर। व्हाइट बॉल, 100 रन पूरे होते हुए शेखावटी यंग 11 के 100 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 42 रन चाहिए। और यहां पर कॉट एंड बोल्ड, चौथा झटका लगता हुआ, कॉट एंड बोल्ड होकर पवेलियन आते हुए सुनील कुमार साहनी। उनके स्थान पर नए बल्लेबाज, बैट्समैन का नाम बताएं। बैट्समैन का नाम बताएं, शेखावटी। ड्रेस पर ना जाए भैया, न्यू बैट्समैन का नाम बताएं। उसकी दूर से आवाज नहीं आ रही भैया। भुवनेश सैनी, तीस गेंदों पर 42 रन चाहिए, 6 विकेट अभी भी। एक अच्छा मुकाबला चलता हुआ, पहला एलिमेंटर मुकाबला, प्रवीण अपने स्पेल का अंतिम ओवर पारी का 16 ओवर लेकर आते हैं। प्रवीण की तरफ गई जाती हुई, किनारा लेकर बल्ले का चार रन मिलेंगे। बाहर नहीं बैठ सकते हैं सर, क्या बोलते, पीछे हट के बैठना, क्या बोलते, पूरे है ना बाउंड्री को चिपक के बैठे। Thank you.
म्यूट कर दिया। शिखर मौजूद है, एक रन। डॉट बॉल इस बार गैप ढूंढा वहां पर कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से दो रन मिलेंगे, 107 रन। पैंतीस रन चाहिए 25 गेंदों पर। फाइव बॉल 35 रन रिक्वायर। क्रिकेट की दिशा में दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र है, एक ही रन। केवल 8 रन आए, 108 रन 16 ओवर की समाप्ति के पश्चात। 36 रन चाहिए 24 गेंदों पर। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हर ओवर में 8 रन चाहिए। एक बार फिर उदाहरण कछावा अपने स्पेल का दूसरा पारी का 17वां ओवर लेकर आएंगे। बाबा मूलचंद आप ही बोलना। बाबा मूलचंद नहीं, उन्हें बोलना ना, नहीं दिख रहा है। उल्टा गेंद, नो बॉल एम्पायर द्वारा, फ्री हिट। फ्री हिट फुलटा गेंद थी लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक रन। वन लेंसन फिगर, इंग्लैंड का बहुत ही मायूस स्कोर है। यहाँ पर विकेट देते हैं इंग्लैंड के बैटिंग करते हैं तो तब लेंसन फिगर 111 लेंसन। इस फील्ड अपने फॉलो थ्रू में, लेकिन एक ही रन मिलेगा। और क्या ड्रॉप, अच्छा स्विंग दिस मैसेज जाने आते हैं, हाथ से छिटक कर चले गए गेंद, दूसरे हाथ से भी लेने का प्रयास था लेकिन ले नहीं पाए। चलिए शॉट कवर पर फील्डर मौजूद है, 4 ओवर के स्पेल में केवल 14 रन खर्च करे बाबा मूलचंद, और कोई भी विकेट नहीं है। इस ओवर से 6 रन, 114 रन 17 ओवर की समाप्ति के पश्चात 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदों पर 28 रन चाहिए,
ಅವರ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪುನಾಗೆ ಸಂಜು ಸಿಂಗ್ रोमांचक स्थिति में आता है मैच। 18 गेंदों में 28 रन, हर ओवर में 9 रन चाहिए। विकेट 6 अभी भी इनके पास। कौन है बॉलर? बॉलर राहुल सिंह। राहुल सिंह परियार अपने स्पेल का दूसरा पारी का 18 ओवर लेकर आएंगे। टाइटल स्पॉन्सर ह्यूज ड्राइवर छोर से स्थिति में आता हुआ अनिश्चितताओं का खेल है। मैंने पहले कहा था अंतिम गेंद और अंतिम रन जब तक नहीं बनता इस पर भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं कहा गया है। एक अच्छी शुरुआत मिली थी शेखावटी को, पावर प्ले में 50 रन बनाए थे। बढ़िया गेंद, एक अपील वहां पर, दबाव बनाने का प्रयास अंपायर पर नकार गया। सत्रह गेंदों में 28 रन। बढ़िया गेंद लगातार दो डॉट बॉल, प्रेशर सामने नजर आ रहा शिकारी के बल्लेबाज पर। बार बार की तरफ जाती है टप्पा खाने के अंदर लगातार तीसरी डॉट बॉल। पंद्रह गेंदों में 28 रन। कपिल वहां पर एलपीडब्ल्यू, पांचवा झटका लगता हुआ क्रॉस लाइन खेल बैठे अंदर की गेंद को। न्यू बैट्समैन नेम बैट्समैन नेम हंसराज। क्या बोल रहे उमेश भाई? बैट्समैन का नाम बताएं। किशोर। किशोर किशोर सैनी। एक रन। तेरह गेंदों पर 27 रन। कट करने का प्रयास, एक अच्छा ओवर यहां पर, केवल एक रन और एक सफलता।
115 रन 5 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर की समाप्ति के पश्चात 12 गेंदों में 27 रन चाहिए। पांच विकेट अभी शेष, प्रति ओवर 14 रन 13.5 का। हंसराज अपने स्पिन का अंतिम ओवर पारी का 19वां ओवर लेकर आते हैं। रोहन चौहान सामना करेंगे। 40 रन पर बल्लेबाजी करते 55 गेंदों का सामना कर रोहन चौहान छठा झटका लगता हुआ 115 रन के स्कोर पर। कप्तान यहां पर स्वयं बल्लेबाजी पर जाते हैं गौरव। न्यू बैट्समैन चेतन सोलंकी। सातवां विकेट गिरता हुआ करने का प्रयास और वहां पर एक लेकर आसान सा कैच गली पर राहुल सिंह। आठवां झटका लगता है यहां पर शेखावटी को रोहन चौहान। भाई अभी और एक विकेट है, ऐसा भाग कर ना जाए। केके 11 कलर ड्रेस पर क्रीज पे चढ़ जाए। क्या हो गया? खत्म हो गया कहते। इसी के साथ 22 रनों से यह मैच जीतती हुई एलिमिनेटर पहले मैच में केके 11 मारवाड़ किंग्स के साथ भिड़ेगी। विकेट वाय रखे केके 11। विकेट वहां रखे बोले भैया जाके
दूसरा एक मीटर मुकाबला खेला जाएगा ट्रिपल एस जय भावना रामदेव नमो वर्सेस हसन भर के बीच दोनों कप्तान आ चुके प्लेइंग 11 के दिग्गज हैं यानी तो पहले हमारे मुख्य अतिथि काफी देर से आ चुके हैं विकास जी सांगला और इसके एमपीएल में उनका हार्दिक स्वागत है दूसरे मैच के हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं विकास जी सांगला का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आरएसके एमपीएल टी20 में